जी हाँ जी, ये अपना तीसरा दिन है अरुणाचल में और सुबह की 6 बज रहे हैं एंड आई एम आउट फॉर अ रन। हाँ, तो आज का सीन ये है कि आज हम पहले निकलेंगे तवांग के लिए अभी थोड़ी देर में, शायद 8-9 बजे के आसपास। अभी कोई उठा नहीं है, कल हमने रात भर पार्टी करी, 12-1 बजे तक पार्टी करी और सारे सो गए, तो मुझे लगता है कि लेट ही उठेंगे। बट हाँ, आज का सीन ये है कि जहाँ तक मेरे को पता है कि अभी थोड़ी देर में तवांग के लिए निकलेंगे, जो कि यहाँ से कुछ 5 घंटे का ड्राइव है कह रहे हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। और ये वही नदी है जो मैं रात के आपके साथ बात कर रहा था, तो ये वही एक छोटा सा नदी है जिसके सामने हमने टेंट लगाया था रात को। लेट्स गो फॉर इट। वो छोटा सा घर देख रहे हो, वहाँ रहे थे हम कल टेंट लगा के, और मैं बहुत ऊपर आ चुका हूँ भागते भागते। अगर आपको किसी जगह के बारे में जानना हो ना, तो या फिर आपको आपकी नींद सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या फिर आपको इवनिंग के टाइम पर चलना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ द टाइम यू विल नो व्हाट द प्लेस लुक्स लाइक इन रियलिटी, है ना। और नंगे पैर गाड़ी में मज़ा नहीं आएगा। मेरे पापा कहते थे कि जब तुम चल के चीज़ें देखोगे ना, तभी आपको रियलिटी में दिखेगा, क्योंकि गाड़ी में बैठे हुए तो आप जूप करके निकल गए, बट आप चल चल के चलोगे तो आपको दुनिया दिखेगी, मतलब जगह दिखेंगे। वी कम टू पिक आवर फ्रेंड, लेट्स पिक आवर फ्रेंड। एंड ये होटल है जहाँ ये रहे थे। एक्सक्यूज मी मैम, डू यू हैव, एक्सक्यूज मैम, एक जाने में सोचूंगा 3-2 रूम सर्विस। रूम सर्विस? या आई वांट टी एंड ब्रेकफास्ट। वाह, दामिनी चिता, तो आई हैव दैट मोहत था नहीं, मोहने आको अंधे यार, तेरी तो उधर आको बैठ रही थी। लुक एट दिस रूम पीपल, लुक एट दिस रूम, जिस मत सूत नहीं सकता बाद इस रूम में, तो सूत नहीं सकता मत। क्यों है मेरा चश्मा ना सूत में, तो उत्पाद करते क्यों है, क्यों है उत्पाद करे सूत में लगे तिमले वाले। अभी हम यहाँ से कहाँ निकल रहे? तवांग, बट फर्स्ट वी विल विजिट सिला पास, इट्स द हाईएस्ट पॉइंट इन अरुणाचल प्रदेश, और सारे पैसे टोपी के हैं। पता नहीं आप लोग देख पाएगा कि नहीं, बट कैन यू सी इट्स रिटन आई लव दिरांग। तो किन चीज में पाएंगे? बकवास है, जरूर बकवास ना बनो। ये लो चुंगम खा लो। रिच गाय, रिच गाय मिस्टर अंकित जोशी। ब्रेकफास्ट टॉपेज भाई लोग, क्या लेगा? इधर बैठो, पूछ रहे। अब हाँ, मेरे लिए 3 रोटी कर देना। हाँ वो भी था, लास्ट टाइम मेरे को आया था तब मेरे को। चलिए कोहरा पड़ रहा भाई,
अभी हम यहाँ से सेला पास पहुँचने वाले और ठंड बढ़ती जा रही है बिकॉज वी आर रीचिंग दैट हाइट। ओ ये अंदर का ये वाला निकाल के खाता है जो, ये जो लेक है इसका नाम है सेला लेक। सो लेट्स एंजॉय द लेक। देखिए कितना ब्यूटीफुल है ना, पहाड़ों के बीच में छोटा सा लेक। देखिए जिंदगी में इन्होंने कभी बर्फ देखा ही नहीं है, अब ये बर्फ के ऊपर चढ़ेंगे और चढ़ के नहाएंगे इसी बर्फ में। वो देख रहे हो, चलो यू कैन डू इट, यू कैन, यू नो यू कैन डू इट। फिर कैसे कितने गलत, ये व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन वाज दैट। कम ऑन भारत माता की। चढ़ पाएगा, हो पाएगा। बेगर्स आर नॉट चूजर्स, गो फॉर इट, जल्दी। पेट्रोटिक डायलॉग मार देते मला, चढ़ू चढ़ू। इसे छूनो तो चाहिए बर्फ लाई, छू को छाने वाले जिंदगी में। जी इन टोल के नो इनो इन टोल के दिन भाई और बहनो चले क्या ब्लॉक इसी माइक से बनेगा और इसी आवाज में। और अभी हम सेला लेक पे हॉल्ट किए हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल 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 लेक, और मैं यहाँ डूब के मरने जा रहा हूँ। लेट्स गो। ठंड में ना ये कह रहे कि पूरा बर्फ से भर जाता है यहाँ पर, और यू कैन वॉक लिटरली ऑन दिस लेक। थोड़ा पोस्ट दे दो, थोड़ा पोस्ट दे दो, पोस्ट चेंज करो। वी नीड मिलेनियल्स हियर। ठंडा है भाई, छोड़ के नहीं जाना है।
तो अभी अपन लोग आए जसवंत घर वार मेमोरियल, जसवंत सिंह के नाम पे ये मेमोरियल बनाया गया इन ए ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ अरुणाचल। आपको जसवंत सिंह रावत के बारे में एक छोटा सा ग्लिम्स या फिर एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ। तो जसवंत सिंह रावत देहरादून के एक छोटे से गांव में पले बड़े और फैमिली के गरीबी देखते हुए 21 साल की उम्र में उन्होंने फौज ज्वाइन कर ली। फौज ज्वाइन करते ही उनको पोस्टिंग मिला अरुणाचल तवांग में, और तब इंडिया चाइना के बीच में लड़ाई होने की आशंका थी और उन्हें भी उसी जगह में पोस्टिंग मिली। और हमारे जसवंत जी ने ठान लिया था कि चीनियों को एक भी इंच अपनी ज़मीन के अपनी मिट्टी के नहीं देने वाले थे। तो उन्होंने पूरी जी जान लगाकर चीनियों के साथ लड़ाई की 1962 इंडो चाइना वॉर में। कहते हैं कि उन्होंने अकेले एक बंकर से लेकर दूसरे बंकर में जाके 300 चीनियों को अकेले मारा था। ये बंकर है, दिस इज वेयर द वॉर हैपेंड। बहुत सारे बंकर है, देखो यहाँ भी एक बंकर है, वहाँ भी एक बंकर है। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। I don't know what is this, but we'll try. बढ़िया एकदम एकदम हीरो जबरदस्त। मेरा तीन तीन दिन दिन जाना है तो फोटोग्राफ खींचने। वाह देख रहे हो, आपके पप्पू जा रहे हैं देख रहे हो। थैंक यू यार भाई। तुम चाय पिया? तुम्हारा चाय का कप सुरा है, आपका वीडियो भी आ रहा है, बताओ। ये वीडियो बन रहा है करीच नो मैं चाय नेक्स्ट लेवल। अजू निंद्रा मत, हम डाल के ला दिया था चाय। हम लोग निकलेंगे अभी थोड़ी देर में यहाँ से। अच्छा चाय पीने के लिए रुके थे, कब पहुँचा? अभी पहुँचे। टाउन में कौन सा ऑर्डर? हमारे भाई लोग भी आ गए। सही चल रहा है, ठंडा तो ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है ठंडा तो ज्यादा नहीं है घरे। अरे मेरा दिसंबर में आके ब्लॉक किया है, उसमें मेरा मुंह से निकल गया ठंडा तो थोड़ा बहुत है, तो इसको ज्यादा तो नहीं होगा ना। कॉम्पेंसेट कर रहा हूँ अभी मतलब। वैसे वीडियो खत्म यहाँ नहीं होता भाई लोग, इसके बाद भी हम दो और जगह गए। यहाँ से हम सीधा चले गए जंग फॉल्स, जिसको नूरानांग फॉल्स भी कहते हैं, और यहाँ के लोकल मानते हैं कि ये नूरानांग फॉल्स एक नूरा नाम की लड़की पे रखा गया है। इस लड़की ने हमारे राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी का हेल्प किया था इंडो चाइना वॉर में, और प्लान ये था। हाँ जी, तो प्लान ये कि वो दिख रहा है आपको याद आके नहाने का, और मेरे को बहुत ठंड लग रही है, बट आई थिंक वी कैन डू इट, लेट्स गो। और उस दिन अनलकीली टेम्परेचर था 2 से 3 डिग्री के आसपास, और पानी का फोर्स इतना तेज था ना कि आप वहाँ थोड़ी देर खड़े रहते ना, आपको पानी के जो हवा का जो फोर्स था वो आपको
फेंक के कहीं और ले जाता था, बट आपके भाई ने हिम्मत नहीं हारी और वहाँ जाके ठंड में नहाया। हेल ये मुनि बड़ा शुभम का पैनल लग चाहिए चड्डी लागल बने नहीं बहुत दिना दिरांग और तवांग चड्डी लागल है तेनी अच्छी तो अभी नालिया में वो कोल्ड वाटर में बहुत ही खतरनाक ठंड है। We are here in this beautiful street. Let me show you. तो ये एक्चुअली एक पत्थर के ऊपर बना हुआ है, सो दैट इज द स्पेशलिटी आई गेस। हमने अरुणाचल से सिंगर मंगाया है दोनों फ्री में। एक ब्यूटीफुल व्यू और अमेजिंग राइड, क्या चाहिए। हम लोग एक्चुअली परसों से जा रहे बैठे, ऑलमोस्ट 8-10 hours ऑफ ड्राइव, बट इट्स वर्थ इट। एवरी आवर आई लव दिस। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।